सड़क पर हादसा एक आम बात है, सड़कों पर होने वाले हादसों का जिम्मेदार हमेशा गाड़ी चला रहे लोगों को ही माना जाता है। सड़क हादसों में सरकारी बदइंतजामी और लापरवाही का खामियाजा भी गाड़ी मालिकों को ही उठाना पड़ता है, लेकिन हादसों की जिम्मेदारी कभी तय नहीं की जाती। कुछ ऐसा ही हाल है NH24 का। यहाँ कई ऐसे स्पॉट मिले जहाँ खतरनाक हादसे हो सकते हैं। RNTV की टीम ने NH24 खतरनाक स्पॉट का जायजा लिया, ये खास रिपोर्ट देखिए। NH24 के चौड़ीकरण का काम इस समय तेजी के साथ चल रहा है, जिसकी वजह से कई डायवर्जन किए गए हैं, लेकिन डायवर्जन वाले पॉइंट पर सही तरीके से साइन बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। इस कारण पब्लिक को रास्ता समझने में कई बार दिक्कत होती है। कुछ स्थानों पर साइन बोर्ड जरूर लगाए हुए हैं, लेकिन उस पर पब्लिक की नजर ही नहीं पड़ती। हाईवे के दोनों तरफ बने डिवाइडरों पर ना तो रेडियन लगे हैं, ना ही रिफ्लेक्टर, और ना ही हाईवे रोड पर कहीं कोई रूट इंडिकेटर लगा है। कई बार लोगों को रात के समय सड़क पर बने डिवाइडर्स का अंदाजा नहीं हो पाता और न ही सड़क की हद समझ में आती है, जिसके चलते कई बार तो गाड़ी डिवाइडर्स में जा टकराती है या सड़क से कूदकर किसी खेत में या फ्लाईओवर से नीचे गिर जाती है, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। सरकारी बदइंतजामी के कारण NH24 पर आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। NH24 को हादसे का हाईवे कहने में कोई गुरेज नहीं किया जा सकता। NHI करोड़ों के प्रोजेक्ट्स बनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स बनाते हुए वो ये भूल जाता है कि यहाँ से आम जनता ही गुजरेगी। ये जो रोड है, यहाँ से हजारों लाखों वाहन गुजरते हैं और वो आम जनता के ही होते हैं, लेकिन NHI इस चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है। तो आज हम यहाँ पहुँचे और आज यहाँ से पहुँच कर हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको सतर्क रहना है और कैसे आप हादसों से बच सकते हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करूँगी, गाज़ियाबाद के NH24 में मैं मौजूद हूँ और यहाँ से मैं आपको इस डिवाइडर को दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं ये डिवाइडर पूरा बनकर तैयार हो गया है, लेकिन आपको यहाँ एक भी रेडियंट देखने को नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर रेडियंट नहीं होगा तो आपको जब रात में आप आएंगे और कई लाइटें आप पे पड़ेंगी तो ये इनविजिबल हो जाएगा और ये आपको दिखेगा नहीं। तो अगर ये आपको दिखेगा नहीं तो कई हादसे आपके सामने आ जाएंगे। अक्सर क्या होता है कि लाइटें पड़ती हैं तो जब रेडियंट नहीं होता तो इंडिकेशन नहीं मिल पाता, ये इनविजिबल हो जाते हैं। जब ज़्यादा रात होती है, कोहरे होते हैं, तो कई हादसे सामने आते हैं। और मैं आपको दूसरा दिखाना चाहूँगी कि अगर हम स्ट्रिप्स की बात करें तो आपको यहाँ स्ट्रिप्स भी नहीं दिखेंगी और गड्ढे में जाके गाड़ी जो है वो टकरा जाती है, स्ट्रिप्स नहीं होती तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हम बीती रात की बात करें तो कल बीती रात भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ जहाँ पर 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, ट्रैक्टर और ट्रॉली आपस में टकरा गए। तो यहाँ का मैं आपको हाईवे दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो पूरा हाईवे है ये तैयार हो गया है। यहाँ से कई ट्रक कार आपको जाते दिख रहे होंगे, काफ़ी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि आप देख सकते हैं स्ट्रिप के बाहर कैसा गड्ढा है। और अगर हम बात करें तो डिवाइडर्स में कहीं भी आपको रेडियंट देखने को नहीं मिलेगा, तो साफ तौर पर NHI की ये बहुत बड़ी लापरवाही है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं फराह खान, गाज़ियाबाद, RNTV।